अग्रेशन खेल और खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जब जीत या हार में सिर्फ एक सेकेंड, एक पॉइंट या एक रन का डिफरेंस हो, तब अग्रेशन ही काम आता है। लेकिन आज मैं जिस खिलाड़ी से मिलने आया हूँ, उनका खेल इसके अपोजिट है, एयर राइफल शूटिंग। इसमें चाहिए माइंड और बॉडी में तालमेल, बैलेंस और स्टेबिलिटी, और पूरी बॉडी मिलकर एक हो जाना चाहिए। आज मैं उसी खिलाड़ी से मिलने आया हूँ जिस खिलाड़ी को इस खेल से इश्क हो गया है, हमारी उम्मीद अयोनिका पॉल। दोस्तों, ये है हमारे देश का भविष्य, इंडियन स्पोर्ट्स का भविष्य, वोमेन स्पोर्ट्स का भविष्य, 10 मीटर शूटिंग चैंपियन अयोनिका पॉल। अयोनिका, सबसे पहले मुझे बताइए कि शूटिंग के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? At that time, राज्यवर्धन राठौड़ had won the Athens Olympics silver medal. तो तभी मैंने सुना था शूटिंग के बारे में, और उस टाइम पे मैं काफी टॉम बॉय थी, तो वैसे करके आई टोल्ड माय फादर कि मुझे गन्स पकड़ना, मुझे शूटिंग करना है। तो पापा ने जाके फिर उइया कॉलेज में ढूंढा था, ही फाउंड द एटमॉस्फेयर क्वाइट गुड। संजय चक्रवर्ती सर तभी, जो अभी द्रोणाचार्य जीतने वाले हैं, ही वॉज देयर एट दैट टाइम, एंड उनके अंडर मैं सीखी, उनके अंडर मैंने बेसिक कोर्स किया था, सो इट वॉज क्वाइट गुड। मैंने सुना स्विमिंग में भी आप अच्छी खासी चैंपियन थे। जी, मैं काफ़ी अच्छी थी स्विमिंग पे, अभी भी मैं स्विमिंग करती हूँ, पर जैसे दूसरे खेल थे वैसे मैंने शूटिंग भी इंजॉय किया, और काफ़ी बोरिंग था पहले, 15 दिन का कोर्स, 3-4 महीने लगे, इतना बोरिंग था, पर वो एक कॉम्पिटिशन था जहाँ पे आई लर्न समथिंग, स्कोर उतना खास नहीं था और कुछ सीखा मैंने, समथिंग अबाउट द ट्रिगर और समथिंग अबाउट इट। और द नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 बजे आई वॉज एट द शूटिंग रेंज, एंड इन दोज डेज मुझे बस पकड़ के जाना पड़ता था आफ्टर माई स्कूल। तो उस दिन मैंने छुट्टी लेके आई वेंट टू द शूटिंग रेंज, 8 बजे मैंने शूट किया, एंड आई लर्न समथिंग मोर। तो वैसे करते हर रोज खेलते खेलते विद इन 1 ईयर आई वॉज देयर इन द नेशनल टीम, एंड वैसे करके आई गॉट इन, एंड आई डोंट नो व्हेन आई लेफ्ट आउट द गेम्स। शूटिंग में आपको ऐसी क्या खास बात लगी जिसने आपको अट्रैक्ट किया हो, क्योंकि आप स्विमिंग में अच्छी थी, आप बास्केटबॉल भी खेलती थी, लेकिन फिर उसके बाद आप गई शूटिंग के लिए, तो कुछ तो अट्रैक्ट किया होगा शूटिंग ने। वो जो एक एडिक्शन रहता है कि अच्छा मैंने ट्रिगर को ऐसा किया तो फिर मेरा 10 लगा, ठीक है मैं फिर से करूँगी, शायद से तब भी मेरा ट्रिगर थोड़ा अलग सा था तो नहीं लगा, फिर से मैंने ट्राई किया ये 10 लगा, फिर से मैंने ट्राई किया ये 10 लगा। तो जैसे होते हैं कि बचपन में एक बॉल लेके एक बॉटल को फेंकना जैसा होता है कि 10 बार ट्राई करो फिर जाके आपका निशाना लगने लगे, तो वैसे आई बिकेम इनटू शूटिंग। एक खिलाड़ी की सक्सेस के पीछे उसका हार्डवर्क होता है, और वो हम सब उसकी परफॉर्मेंस में देख सकते हैं। जो नहीं देख सकते वो है उसके पेरेंट्स की मेहनत और इंस्पिरेशन। पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना कोई भी खिलाड़ी एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। तो अयोनिका की सक्सेस का राज उनके पेरेंट्स से पूछते हैं। अयोनिका, बचपन के दिनों में कैसी थी? बचपन के दिनों में वो बहुत ही शरारत थे, बोले तो बदमाशी बहुत करते थे। बदमाशी बोले तो स्कूल बस से जब भी उतरते उसको फेस देके मालूम पड़ जाता था मेरे को, क्या कुछ तो हुआ है बस में कुछ गड़बड़ तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर डेली कुछ ना कुछ फाइटिंग चलता था बस में, नहीं तो स्कूल में, अदरवाइज ठीक ही था, चुपचाप थी। अच्छा, अयोनिका ने जब स्पोर्ट्स में पहली बार शूटिंग को चुना तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? मुझे इतना ही ये था कि जहाँ पे भी बच्चे जाए, राइट ट्रैक पे जाए, उसको फॉलो करना अपना ड्यूटी है।
अगर वहीं पे सक्सेस हो रहा है तो काफी अच्छी बात है, जब तक वो एंजॉय कर रहा है तो लेट हर गो, लेट देम गो एंड प्ले दैट मैच। तो आपको कब उसकी काबिलियत का पता चला है, उसकी पोटेंशियल का पता चला है कि शूटिंग में उसका पोटेंशियल है, काबिलियत है? 2008 में फर्स्ट टाइम जब उसने इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया है, फर्स्ट मैच में उसने काफ़ी अच्छा वर्ल्ड जूनियर में काफ़ी अच्छा उसने रिजल्ट किया है, तभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं उसके अंदर कुछ तो है जो कि वो कर सकते हैं। जब हम पोडियम पे खड़े होते हैं, जब नेशनल फ्लैग ऊपर आता है, देयर इज नो फीलिंग दैट कैन बी पुट इन वर्ड्स। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी हार्डवर्क करते हैं, सब देश के लिए ही करते हैं। आपकी इंटरनेशनल जर्नी कब शुरू हुई और अब तक कैसी रही? 2007 में मेरा फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप था। उसके बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑल द वर्ल्ड कप्स मैंने खेला, क्योंकि मैं जूनियर थी और सीनियर्स के स्कोर्स मार रही थी, तो कुछ वर्ल्ड कप्स में मुझे अलाउ नहीं किया क्योंकि आई हैड टू गो एंड प्ले द जूनियर वर्ल्ड कप्स, एंड वहाँ पे द फर्स्ट टाइम आई वॉन द जूनियर वर्ल्ड कप मेडल। वहाँ से आई रियलाइज्ड कि आई कैन डू इट, मैं वो लेवल पे मैं फाइट दे सकती हूँ। आपकी कोई सबसे यादगार जीत जो आपको आज भी याद हो? मारी बोर में जो वर्ल्ड कप हुआ था 2014, उसके पहले जो ट्रेनिंग थी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग थी मेरी, पर उसके बाद में एक वर्ल्ड कप था इन म्यूनिक जहाँ पे कि मैंने फ्रैक्शन के वजह से मैं फाइनल्स में नहीं थी, तो वो गुस्सा था कि वो फ्रैक्शन मैं कर सकती हूँ। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।